नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ऐसे किसान भाई से मिलाने वाले हैं जो पावरटेक यूरो 55 नेक्स्ट फोर व्हील ड्राइव कैटेगरी के ट्रैक्टर को यूज कर रहे हैं और इसका कैसा इनको रिजल्ट है, कितने साल से चला रहे हैं, इसकी जानकारी हमें हमारे किसान भाई देंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? इस्लाम खान मंसूरी। जी भैया, कहाँ से हैं आप? पमोरा जागीर। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? जिला राजगढ़, तहसील नरसिंहगढ़। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। जैसे कि आपने पावरटेक यूरो 55 जो ले रखा है फोर व्हील, इसको लिए हुए कितना टाइम आपको लगभग हो गया? छह महीना हुआ है मेरे पास। छह महीने हो गए। कितने घंटे आपने लगभग इसको चला दिया? इसको चला दिया मैंने 750 घंटे। 750 घंटे काई काई पे ऊपर यूज किया? पे चलाता हूँ मैं इसको, प्लाव पे। प्लाव के ऊपर। और इसके बाद अभी जैसे कि आप कल्टीवेटर पे भी यूज कर रहे हैं, तो जो प्लाव के ऊपर आपने इसको फोर व्हील ड्राइव को यूज किया है, तो क्या इसका एवरेज आया और कैसा? इसका एवरेज आया 4500 का, 4.5 लीटर। एक बीघा में 1.5 घंटा लगाया इसने, सवा डेढ़ घंटा लगभग लगाया हुआ है। और कल्टीवेटर के ऊपर ये क्या टेल ले रहा है? तीन बीघा में एक घंटा लग रहा है। खुले पहले में चल रहा है। अच्छा, और इसके पहले आपके पास पावरटेक यूरो 55 के पहले और कोई सा ट्रैक्टर था? मेरे पास ड्यूज फायर था 4x4। 4x4 ड्यूज फायर कितने एचपी का था? 45 एचपी। 45 एचपी। और इस ड्यूज फायर के पहले भी था या फिर ड्यूज फायर? ड्यूज फायर के पहले महिंद्रा था। महिंद्रा 400 तो जैसे कि ड्यूज फायर अभी है कि आपने बेच दिया? तो ड्यूज फायर बेच के आपने पावरटेक यूरो 55 लिया, क्या सोच के आपने 55 को सिलेक्ट किया? एवरेज के मामले में मतलब क्या है, मतलब 55 हॉर्सपावर की कैटेगरी में अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले एवरेज अच्छा है क्या इसका? अब अभी तो बड़े दे रही है, अब देखो फिर आगे जाके। अच्छा, कितनी अभी आपने दो सर्विस करवा दी होगी? लगभग तीन सर्विस हो गई है। और जैसे कि अभी आप जैसे कि इसको यूज कर रहे हैं कल्टीवेटर वगैरह के काम में, तो प्लाव और कल्टीवेटर के अलावा अभी आप इसको कहीं पे चलाते हैं? रोटावेटर चलाता हूँ, लहसुन की शेड्यूल चलाता हूँ, प्याज की शेड्यूल चलाता हूँ। लहसुन प्याज की शेड्यूल भी चलती है? तो लहसुन की शेड्यूल और प्याज की शेड्यूल जो नॉर्मल वर्क है उसके लिए कितना एवरेज निकालता है? 2-2.5 लीटर ज्यादा जाओ। 2.5 लीटर से ज्यादा निकलता है। 4 सिलेंडर है फिर भी मतलब डीजल कम लेता है? 2.5 लीटर। किसी ने बोला होगा कि 4 सिलेंडर है तो डीजल ज्यादा लेगा, लेकिन तो याद ही नहीं। अच्छा, पहले भी मतलब पावरटेक किसी के पास है ऑलरेडी या किसी के? गांव में है। उनका क्या रिजल्ट है? 2-2.5 से ज्यादा नहीं। उनका भी ट्रैक्टर है वो? अच्छा, छोटा ट्रैक्टर है वो। पावरटेक 50 होगा? नहीं, पावरटेक 42 है। और पावरटेक 55 आपने सिर्फ खास करके प्लाव वगैरह के लिए लिया? प्लाव, रोटावेटर। अभी जो कल्टीवेटर पे आप चला रहे हैं तो कितने आरपीएम पे इसको यूज कर रहे हैं? इसको चला रहे हो 13-14 आरपीएम। 14 आरपीएम पे। चलिए, तो हमें भैया अभी चला के दिखाएंगे। अभी कितने रेस किए आप लोग देख सकते हैं, फोर व्हील में काफी शानदार है ये। जैसे कि आप यूज कर रहे हैं तो प्लाव के अलावा भी और किसी चीज पे? मतलब रोटावेटर, बक्कर। अच्छा, लहसुन के सीडिल, प्याज के सीडिल। फोन पे क्या रहा इसका रिजल्ट? 1 नंबर रहा रिजल्ट। अच्छा, तो अभी इसको प्लाव पे जो चलाया है 763 घंटे जो हो रहा है, तो इसमें प्लाव पे कितने घंटे चला दिया? ये 700 घंटे चला अभी। प्लाव पे 700 घंटे। तो इसका मतलब कि आपने देखा होगा कि प्लाव का आपने यूज किया तो टायर की घिसाई विसाई आपके ड्यूज फायर के मुकाबले बराबर ही हुई। और जैसे ये फ्रंट एक्सल एक्सल से कोई समस्या अभी तक? तो कोई समस्या नहीं दिख रहा। फिर भी एक हिसाब से देखा जाए तो फोर व्हील में कल्टीवेटर को उठाने की जरूरत ही नहीं है। अभी भी आप दोनों लिफ्ट के डाउन करके चला रहे हैं। डाउन, बिल्कुल डाउन। और गियर कौन सा लगा रखा? अभी तो काम लगा भैया ने, जीरो करवा के चलावा के। अच्छा, धीरे चलाने की बोली है इसलिए? मतलब कि बिल्कुल भी दम नहीं तोड़ता, जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हैं वो। धीरे चलवा रहा हूँ गति के हिसाब से, जैसे ये खुला बेलन चलता है। खुला बेलन है। और प्लाव में जैसे कि कौन से गियर में चला रहा हूँ? तीसरा टाप है। उस पर चलता है। मतलब आपने पावरटेक 55 लिया, 60 की लिया, 60 और 55 के दो एक साल इंजन। अच्छा, और इसकी जो टर्निंग रेडिएशन है वो अच्छी है आपको मुकाबले? मतलब जो घूमता है अगला व्हील आप घुमाते हैं? हाँ, थोड़ा सा कम घूमता है, कम जगह मतलब ज्यादा जगह लेता है घुमाने। अच्छा, एक पहिया पे भी घूम पाता है। पर फिर भी आपने देखा होगा पावरटेक के सभी ट्रैक्टर लंबे हैं, तो थोड़ा सा घूमने में टाइम लगाती है। ये 4x4 की वजह से कम घूमता नहीं था, सिंगल जो रहता है ना टू व्हील में वो तो एकदम रखा जाता है इधर। अच्छा, वो आराम से घूम जाता है। हाँ, पर ये कल्टीवेटर आपका 7 टाइम ले रखा है, इसके पीछे 9 टाइम लगना चाहिए। वो पुराना ट्रैक्टर का है ना? अच्छा, पुराने ट्रैक्टरों का है। हाँ, इसलिए 7 टाइम यूज कर रहे हैं आप। इसका पूरा काट के दिखाना है, हैंडल, स्टीयरिंग, पूरी स्टीयरिंग घुमाना, इतनी इसकी टर्निंग रेडिएशन। मतलब आप इस ट्रैक्टर को 10 में से कितने नंबर देंगे? 90 नंबर।
290 मतलब बढ़िया रिजल्ट रहा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।